बहुत बड़ा काम किया है, मुबारकबाद इसको कि बहुत बड़ा काम किया है। और हंसी भी है, एडल्ट है, और हम लोग 20 साल से साथ में काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये दोस्त है, ये बहुत बड़ा काम है। सुनील तुमने भी बनाई है फिल्म, और सुनील जानता है बहुत बड़ा काम है एक फिल्म बनाना और उसे पर्दे तक लाना। ये दोनों दोस्त है मेरे, इन्होंने बनाई है, मैंने भी बनाई है फिल्म, और ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। तो फिल्म जैसी है बहुत अच्छी है, अच्छी शुरुआत है, और भगवान करे और कर, और अच्छा कर, इससे सीख क्या नहीं करना चाहिए, पी के ले ले। देखिए, शूटिंग तो मैंने, वैसे तो मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, लेकिन ये पिछले 8 महीने से मैं इस फिल्म पर लगा हुआ हूँ। आप यूँ कह लीजिए ये वन मैन आर्मी की तरह लगा हुआ हूँ, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितनी भी चीज़ें थी, हर पार्ट को मैंने अपने हाथों से किया है। स्क्रिप्ट इसकी मैंने लिखी है, डायरेक्शन मैंने किया है, म्यूज़िक हमारे नायब भाई ने किया है, और गाना मैं गा रहा था तो उन्होंने टोक दिया, बोले मैं गाऊंगा, नहीं तो वो भी तैयार था मैं गाने के लिए। और एक्टिंग मैंने आपके सामने की है, और मैंने कोशिश की है कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊं जिसे दुनिया देखे, वैसी नहीं कि जिसे मैं देखूं। मैं चाहता तो अपने आप को एज ए हीरो जैसा मैं लुक है मेरा, मैं लॉन्च कर सकता था, लेकिन इस फिल्म के लिए मैंने 20 kg वेट बढ़ाया, जो आपने मूवी में देखा, मैंने 20 kg वजन बढ़ाया इस फिल्म के लिए, बिकॉज जो फनी करेक्टर था वो मेरे करेक्ट, मेरी पर्सनालिटी पे नहीं जा रहा था, और मैं इंस्पायर था दादा कोडके जी से एंड मिस्टर बीन से। तो ये जो मेरा करेक्टर है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ दैट दो बोथ करेक्टर, कि मिस्टर बीन की वो पर्सनालिटी है और दादा कोडके के संवाद हैं थोड़े, और दादा कोडके जी के बाद इतने टाइम बाद डबल मीनिंग पे ही बेस्ड, दिस इज़ आई थिंक बहुत टाइम बाद पहली मूवी आ रही है जिसका टाइटल भी डबल मीनिंग है, और कोशिश किया आप लोगों को हंसाने की। अभी सेकेंड पार्ट आप देखेंगे तो आपको लगेगा एक स्टोरी भी है। कॉमेडी फिल्म है, और कॉमेडी में अलग अलग वैरायटी है इस फिल्म में, सारे कैरेक्टर, सारे आर्टिस्ट सुपरस्टार हैं, सब आर्टिस्ट मजे हुए हैं। नायब भाई का म्यूजिक है, सर का मानो का एक्टिंग बहुत अच्छा है, विजेंद्र काला तो सुपरस्टार है ही, आपको पता है। तो कुल मिला के एक एंटरटेनिंग फिल्म है, आप फिल्म को देखते आप सारे टेंशन भूल जाओगे और मज़ा आएगा। बिल्कुल, आप जैसे देख ही रहे हैं कि म्यूज़िक बैकग्राउंड से लेके हर एक सिचुएशन पे बिल्कुल चिपक के आ रहा है, और उसका सबसे पहला रीज़न भाई मानू भाई हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करवाई और कॉन्सेप्ट में बहुत पकड़ के काम किया है। बाकी जनता जनार्दन है, हम सबकी मेहनत पसंद करें, और बहुत बस बहुत अच्छा रोल है जनता जनार्दन से, और वो हमें पसंद करें जी। देखिए, आज तो मैं वैसे बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज दिस इज़ होम प्रोडक्शन, फर्स्ट टाइम है, और मैं हम सुबह से ही तैयारी कर रहे थे, और थोड़े प्रेशर भी था, टेंशन भी था कि कैसे कैसा होगा, और बहुत बहुत खुश है क्योंकि बहुत लोग आए हुए हैं हमारी फिल्म देखने के लिए, और सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड है आज हम। सर, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं ये फिल्म बना रहा था तो मेरे पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं था, तो मैंने एक ही चीज़ ज़िंदगी में सीखी है, 20 साल से मैं एक्टर हूँ, मैंने 200 से ज़्यादा शोज़ किए हैं टीवी के, तो मैंने एक चीज़ हमेशा नोट की कि फिल्म बजट की नहीं होती, फिल्म या तो अच्छी होती है या बुरी, या तो फिल्म होती है अच्छी या बुरी। अगर 500 करोड़ की फिल्म देख के अगर आपको बुरा लगता है तो बेकार फिल्म है, और अगर एक 5 करोड़ की फिल्म देख के आपको मज़ा आता है तो वो अच्छी फिल्म है। तो मैंने प्रयास किया कि मैं एक इंटरटेनमेंट की अच्छी फिल्म बनाऊँ, ना कि बजट के बारे में सोचूं। तो जितना काम मैं कर सकता था, मैंने खुद अपने हाथ से जाके कपड़े खरीदे, मैंने खुद लोकेशनों पे सामान जमाया, मैंने सब कुछ किया इस फिल्म के लिए जो मैं कर सकता था। मेरे को बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट चाहिए था, तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको बोला भाई बजट उतना नहीं है, बट आप मेरे साथ अच्छा काम करो, तो मैंने अपने हिसाब से पूरा प्रयास किया है, और अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो डेफिनेटली मेरी ये प्रयास आप लोगों को दिखेगा। काम किया है, एंजॉय कीजिए, अच्छी पिक्चर है, मानव ने इतनी मेहनत की है, मानव यहाँ तक पहुँचा है, मैं चाहती हूँ वो और ऊपर पहुँचे और अच्छे से काम करे। सब लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया, मानव की मेहनत सबसे ज़्यादा है, तो इसके लिए आप लोग खूब पब्लिसिटी कीजिए और इसको, इस पिक्चर को और बूस्टअप कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी। ऐसा है कि आज तो सबसे पहली खुशी हुई कि शाहरुख खान के साथ हमारे दोस्त मानव का पोस्टर लगा हुआ है। ये मानव की बहुत टाइम की मेहनत है, और उसने खुद डायरेक्ट की, खुद प्रोड्यूस की, और हमें इस बात की खुशी है। आज
पाँच दिन हुए हैं, मैं इस बारे में ज़्यादा अभी बहुत बात नहीं करूँगा फिल्म के बारे में। पाँच दिन हुए कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है शारीरिक रूप से, बाकी तो हैं वो तो, लेकिन फिर भी अपने दोस्त मानव के लिए मैं ये फिल्म देखने आया हूँ और मुझे खुशी है कि मानव उस बात को, फिल्म को यहाँ तक लेके आया, रिलीज़ की, और बस दुआ करते हैं कि ये चले भी का रहा है। इससे पहले भी हम बहुत काम कर चुके हैं साथ में। फर्स्ट फिल्म जहाँ मानव जी ने इतनी अच्छी डायरेक्शन की है, हम सभी ने एक टीम वर्क करके एक प्रयास किया है कि एक अच्छी फिल्म बनाई जाए और दर्शकों तक एक ऐसी फिल्म पहुँचे जहाँ लोग आके सारी चीज़ें बोलकर ये करें कि भाई ये फिल्म को एंजॉय करें। बेसिकली एंजॉय करने वाली फिल्म है। आपने देखा होगा इसके पंचेस भी इस तरह से लिए गए हैं कि कहीं पर कुछ गंदापन नहीं है, आपके थॉट के अंदर विपरीत है, आपका आपके थॉट एक जगह कुछ और चल रहे हैं लेकिन स्क्रीन पे कुछ उसका रिजल्ट अलग आ रहा है। सो इट इज़ दैट वे। सो एनी वे, हम मेरी तरफ से आप सभी दर्शकों को यही एक बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपना कीमती समय यहाँ थिएटर में आके देखिए, हमारी फिल्म को देखें, सराहें और बहुत बहुत प्यार दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये मैं भी मेरी तथावत जी है, बुलटा वांग मेरा दिल मलांगा, नखरे दा मिर्ची ऐसे ना के तीती माँ के सच्ची मैनू आ रखी है, एक जवानी जोर जमाना दूजी फसा रखी है। वाह वाह, तुसी बोलोगे कुछ वन रिंडर के मूड में आके।